ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पिछले दो दिनों से तेज बरसात का दौर जारी है। जिला बिलासपुर में बिलासपुर शहर स्वर्गघाट घुमारवीं और विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में एक बार फिर से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। तेज ठंडी हवाओं के कारण, गहरे धुंध के कारण, तेज बरसात के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम होने के कारण दिन में भी गाड़ियों की लाइटें जलाकर सफर करना पड़ रहा है। बाहर प्रदेशों से आने वाले पर्यटक एवं श्रद्धालुओं को भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में पिछले दो दिनों से तेज बरसात का दौर जारी है। जिला बिलासपुर में स्वर्गघाट घुमारवीं और विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में एक बार फिर ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। तेज ठंडी हवाओं के कारण, गहरी धुंध के कारण और तेज बरसात के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम होने के कारण दिन में भी गाड़ियों की लाइटें जलाकर सफर करना पड़ रहा है। बाहर प्रदेशों से आने वाले पर्यटक एवं श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ रही है काफी दिक्कतें। मार्च महीने में इस बरसात के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में फिर से अंगीठी सेकने का दौर जारी हो गया है। हालांकि जहां पर मार्च महीने में गर्मी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार लगातार बरसात के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप जारी है। काफी ठंड पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अभी और बरसात होना बाकी है। ये बरसात जहां पर स्थानीय लोगों के लिए, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए परेशानी का सबब बनी है, वहीं पर किसानों के लिए फसलों के लिए संजीवनी का काम करेगी। किसानों के मुताबिक गेहूं की फसल, प्याज लहसुन की फसल के लिए ये बरसात काफी कारगर सिद्ध हो रही है। दो दिन से बरसात हो रही है और धुंध भी ज्यादा पड़ रही है, गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है और लाइट, दिन को लाइट जला के गाड़ी चलानी पड़ रही है। एम्बुलेंसर से आया हूँ माता रानी के दरबार में। यहाँ पर ठंड बहुत है, बहुत अच्छा लगा। पिछला महीना चल रहा है, ठंड बहुत है।